I thank the Lord for bringing me here. मैं प्रभु को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ. After very long time, we are coming to Mumbai. और एक बहुत लंबे समय के बाद यहाँ मुंबई में आए हैं. So many invitations after invitations keep coming to our office. हमारे ऑफिस में एक के बाद एक निमंत्रण आते ही रहते हैं. But all these years, I said no, no, no. लेकिन सारे सालों में मैंने सब के लिए ना ही ना ही कहा. But this time, इस समय, God's time. परमेश्वर का समय. So in these 2 days, in दो दिनों में, I will be sharing with you the heart of God. मैं आपके साथ में परमेश्वर के हृदय को बांटूंगा. It's not the length of the sermon. और ये जो प्रचार है उसकी लंबाई पे निर्भर नहीं होएगा. It is the content and the experience that you'll have. लेकिन इसमें जो बात रखी है और जो गहराई है वो है आपके लिए. Because I don't preach long messages. क्योंकि मैं लंबा संदेश नहीं देता हूँ. I see your smile. मैं आपकी मुस्कुराहटों को देख रहा हूँ. Wow. We are in the right place. हम सही जगह पे हैं. Because I strongly believe. क्योंकि मैं इस बात पे बहुत पक्का यकीन करता हूँ. Blessed are they those who preach short messages. धन्य है वे जो छोटा संदेश देते हैं. For they shall be invited again. फिर से उनको निमंत्रण मिलेगा. So short and sweet message. छोटा लेकिन सुंदर संदेश. आमेन आमेन. बट इट हैज अ कंटेंट. इट हैज कंटेंट. लेकिन उसमें बहुत अद्भुत छिपा हुआ है. एंड गॉड विल चेंज अवर लाइव्स. और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा. टू टेल यू द ट्रूथ. आपसे मैं सत्य कहूं. मोस्ट ऑफ यू आर इन द लॉर्ड. आप में से बहुत सारे लोग प्रभु में हैं. You are serving the Lord. आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं. So you don't need big conferences or big training. तो आपको एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस या बड़ी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है. You need only two things. आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है. Little finishing touch. जो आपको फिनिशिंग अंतिम तराशेगा. कोर्स करेक्शन. थोड़ा सा सुधार होएगा. Put you on the right track. और आपको बिल्कुल सही पटरी पे रखेगा. And the second thing. और दूसरी बात है. Little more fire. थोड़ी सी और आग. Amen. Amen. And then you will go and nobody will stop you. और फिर आप जाएंगे कोई आपको रोक नहीं सकेगा. So 2 days we'll have beautiful sessions. और 2 दिन हम बहुत खूबसूरत सत्र में जाएंगे. Sitting at the feet of Jesus. यीशु के कदमों पे बैठे हुए. Not only learning from him. सिर्फ उससे सीखेंगे नहीं. But he's going to spread a beautiful banquet for us. लेकिन वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत भोज तैयार करेगा. And we'll enjoy him. और हम उसका आनंद लेंगे. My prayer is that God will visit every one of you. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक से मुलाकात करे. He will touch you. वो आपको स्पर्श करेगा. Amen. Amen. And after the message is over, जब संदेश समाप्त हो जाएगा, maybe if time permits, I will pray both the days, today and tomorrow, for special miracles to take place. और इन 2 दिन के सेमिनार के बाद में जब सब हो जाएगा, सरमन हो जाएगा, आज और कल की इस सत्र में मैं दोनों दिनों में एक विशेष प्रार्थना आश्चर्यकर्म चंगाई के लिए करूंगा. प्रार्थना विशेष आश्चर्यकर्म के लिए. हाँ, प्रार्थना विशेष आश्चर्यकर्म के लिए करूंगा. ओके. गॉड डिड स्पेशल मिरेकल्स थ्रू पॉल. परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा विशेष आश्चर्यकर्म. So we will pray these 2 days. God will do special miracles in our midst. तो इन 2 दिनों में हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर विशेष आश्चर्यकर्म करें. Amen. Amen. That will be one of the prayers. और वो प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना होगी. So we will get into the word. हम संदेश में जाएंगे. And many times we think divine union means, oh, unity among believers. बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वरीय एकता जो है वो विश्वासियों के बीच की एकता है. Oh, now church is going to become one, body of Christ one. अब चर्च कलीसिया जो है वो अंततः एक होगी. But divine union means God and we becoming one. लेकिन ईश्वरीय एकता का मतलब है परमेश्वर और हम एक हो रहे हैं. वी कैनॉट बिकम वन हॉरिजॉन्टली अनलेस वी बिकम वन वर्टिकली विथ हिम. हाँ, हम जब तक
ऊपर से एक नहीं होंगे, आमने सामने एक नहीं हो पाएंगे. But with God we need to become one first. क्योंकि पहले हमें परमेश्वर के साथ एक होना है. So we will straight away get into the message. इसलिए हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे. I have very three or four very simple points to share. और मेरे पास तीन या चार बहुत साधारण सी बिंदु हैं जो आपको बताऊंगा. But listen to it very carefully. लेकिन आप बड़े ध्यान से इनको सुने. I want to start this message by telling you about the tribe of Issachar. और मैं आपके साथ में इस्साकार का जो गोत्र है उससे शुरू करना चाहता हूं. 12 tribes of Israel. इसराइल के 12 गोत्र. But we don't know much about the tribe of Issachar. लेकिन इस्साकार का जो गोत्र है उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम है. पीपल फ्रॉम दिस ट्राइब वेयर इन द ग्रुप ऑफ डेविड. और इस गोत्र में से वे थे जो दाऊद से आए हैं. यस विद जिसमें से दाऊद आया है. दे वर विद द पीपल हु वर्क विद डेविड. अच्छा, ये ऐसा गोत्र था जो दाऊद के जनों के साथ में होकर काम करता था. डेविड हैड लॉट ऑफ पीपल, मेनी पीपल. दाऊद के पास बहुत सारे लोग थे. समवेयर वर्शिपर्स, कुछ आराधना करने वाले. एडमिनिस्ट्रेटर्स, और कुछ प्रबंध करने वाले. वॉरियर्स, कुछ योद्धा. ऑल बिकॉज ही वाज द किंग, क्योंकि वो राजा था. सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स मैनेजिंग डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग गोत्र से अलग अलग लोग बहुत अलग अलग काम करते थे. बट फ्रॉम दिस ट्राइब ऑफ Issachar, लेकिन इस्साकार के इस गोत्र में से, देयर पीपल हु आर वर्किंग विद डेविड, लोग थे जो दाऊद के साथ मिलके काम करते थे. व्हाट वाज देयर वर्क, व्हाट वाज देयर टैलेंट, उनका गुण क्या था. व्हाट वर दे देयर टू हेल्प डेविड विथ, वे वहां पे दाऊद की सहायता के लिए कैसे थे. दीस पीपल हैड वेरी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम्स. ये एक ऐसे लोग थे, इनका एक ऐसा विशेष गुण था जो समयों को समझते थे. They had understanding of seasons. ऋतुओं की समझ इनके पास थी. If we only have understanding of times, we will prosper like anything. यदि हमारे पास समयों की पहचान हो जाए तो हम अद्भुत रीति से संपन्न तरक्की करेंगे. If we knew this time what we should do, that time what we should do, where to invest, where not to invest. Wow, finish. यदि हमको यह मालूम पड़ जाए इस समय में यहाँ पे ये करना, इस समय में निवेश करना, इस समय में ऐसा करना है, तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे. Not just in the ministry. हाँ, सिर्फ सेवकाई में नहीं. In leading the whole country. यहाँ तक कि पूरे देश की अगुवाई में. This group of people had understanding into times and seasons. और इस समूह के लोग जो थे, इनके पास में समयों और ऋतुओं की समझ थी. इफ यू गेट सम पीपल विथ यू टू स्टैंड विथ यू हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम्स एंड सीजन, दे विल कैटापल्ट यू मच अहेड इन लाइफ. हाँ, यदि आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास समयों और ऋतुओं की पहचान है, तब फिर आप कहीं आगे निकल जाएंगे. यू शुड ओनली नो, बिजनेस पीपल शुड नो टाइम एंड सीजन, दैट्स ऑल. जो धंधा करते हैं उन लोगों को सिर्फ समय और ऋतुओं की पहचान होना है. पॉलिटिशियन शुड नो टाइम एंड सीजन. राजनीतिक लोगों को समय और ऋतुओं की पहचान होना है. एजुकेशनली शुड नो ओनली टाइम्स एंड सीजंस. शिक्षाविदों को समय और ऋतुओं की पहचान होना है. वंस यू डू थिंग्स इन द राइट टाइम इट विल क्लिक. एक बार जब आप सही समय पे कुछ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा. आमेन, आमेन. इन द सेम वे, उसी प्रकार से, चर्च पीपल ऑल्सो शुड नो टाइम्स एंड सीजंस. कलीसिया के लोगों को भी समय और ऋतुओं की पहचान होना जरूरी है. बिलीवर्स, प्रीचर्स एंड पास्टर शुड नो टाइम्स एंड सीजंस. विश्वासी पास्टर प्रचारकों को समय की पहचान होना जरूरी है. सो आई हैव कम टू मुंबई टू टेल यू व्हाट इज द टाइम एंड सीजन फॉर मुंबई. और इसलिए मैं मुंबई में आया हूं कि क्या समय है और क्या ऋतु आई है फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए. पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, हाँ, राजनीति और व्यापार के लिए नहीं. फॉर चर्च, कलीसिया के लिए, आपके, फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के लिए. व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द सीजन, कौन सा समय आया है, कौन सी ऋतु आई है. डू यू रियली वॉन्ट टू नो दैट, क्या आप सचमुच में यह जानना चाहते हैं. ओके, यू नो देर वॉज टाइम वेन देर वॉज or there was a season when it was time to preach on sowing and reaping. Ek samay tha jab bona aur kaatne ke prachar ka samay tha. They preached on prosperity, financial blessings.
और वे संपन्नता और आर्थिक आशीष के विषय में प्रचार करते थे. There was season when they preached about Holy Spirit gifts. और एक समय था जब वे पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के विषय में प्रचार करते थे. I will talk that many years back. हाँ, मैंने बहुत समय पहले उस विषय पे प्रचार किया है. On gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों पर. There was season when people spoke about word of faith. हाँ, और एक ऐसे भी ऋतु थी जब लोगों ने विश्वास के वचन पर प्रचार किया. Healing ministries. और चंगाई की सभाएं. You all know the history. आप इतिहास जानते हैं. There were different seasons. एक अलग अलग ऋतु आई. Different times. एक अलग अलग समय आया. Different work of God. परमेश्वर के अलग अलग प्रकार काम. So now, अब what is God's time? परमेश्वर का समय क्या है? What is God about to do? परमेश्वर क्या करने वाला है? For his people. उसके लोगों के लिए. For his church. उसकी कलीसिया के लिए. For pastors and preachers. पासबान और प्रचारकों के लिए. What is God's season now? परमेश्वर की ऋतु इस समय क्या है? And if you align yourself with the timings, you will get your breakthrough. और यदि आप अपने आप को समय के साथ तालमेल बैठा लेंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे. Many people are outdated in Christian life. बहुत से लोग मसीही जीवन में पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं. लाइक व्हेन इट इज कंप्यूटर सीजन, दे आर स्टिल वर्किंग विद द टाइपराइटर. हाँ, जब कंप्यूटर का समय आया तो अभी भी वे बैठ के टाइपराइटर में काम कर रहे हैं. व्हेन एवरीथिंग इज डन ऑन द सेलफोन, दे आर स्टिल इन समवेयर एल्स. हाँ, अब भाई जब सेलफोन में सब चीजें हो जाती हैं, वो कहीं और हैं. यू सी टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सी टाइम्स आर चेंजिंग, सीजन आर चेंजिंग. अब देखें, तकनीक में भी जो समय है वो बदल रहा है, कार्य बदल रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग सो फास्ट. और सब चीजें बहुत तेजी से. आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन अवर क्रिश्चियन वर्ल्ड, हमारे मसीही जगत में 90% ऑफ चर्चेस, पास्टर्स, प्रीचर्स, सॉरी टू से दैट, आर आउटडेटेड. 90% पासबान, प्रचारक, विश्वासी जो हैं, माफ करें ये कहने के लिए, वे पुराने से हो गए, आउटडेटेड हो गए. यू आर प्रीचिंग समथिंग विच इज ऑफ दैट सीजन. हाँ, आप कुछ वो प्रचार कर रहे हैं जो पिछले समय का है. सो देयर इज नथिंग फ्रेश इन द मीटिंग. तो मीटिंग्स में कुछ नया नहीं मिलता. राइट, नथिंग फ्रेश इन द चर्च ऑल्सो. और कलीसिया में भी कुछ नया नहीं मिलता. व्हाट वाज इन योर चर्च टुडे? आज आपके चर्च में क्या था? ओ सेम, वही डिंग 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 डिंग. हाउ अबाउट योर चर्च टुडे? आपका चर्च आज कैसा था? एवरीथिंग सेम, लिटिल डिफरेंट. हाँ, सब ठीक, एक समान था, थोड़ा सा फर्क. व्हाट इज द डिफरेंस? वो परिवर्तन क्या था? डिंग 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 डोंग, डिंग 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 डोंग, दैट्स ऑल. बस लिटिल डिफरेंस हियर, लिटिल, दैट्स ऑल, बट एवरीथिंग इज सेम. डिंग डिंग डिंग, थोड़ा सा परिवर्तन, बस बस, बाकी सब कुछ वैसे ही. डिंग डिंग डिंग, नो डोंग, नो फ्रेशनेस, कुछ तरोताजगी नहीं है. बिकॉज देर इज नो, यू आर नॉट इन द टाइम, इन दैट सीजन. क्योंकि आप उस समय और जो ऋतु है उसमें तालमेल नहीं बैठा. कैच व्हाट गॉड इज डूइंग इन दैट सीजन. इस ऋतु में परमेश्वर क्या कर रहा है, आपने उसको नहीं पकड़ा. यू डोंट नो द टाइमिंग्स ऑफ गॉड, द मैसेज फॉर दिस टाइम. इस समय परमेश्वर का समय क्या है, कैसे काम करेगा, आपने उसको नहीं पकड़ा. व्हाट इज इन गॉड्स हार्ट फॉर दिस टाइम. इस समय के लिए परमेश्वर का हृदय क्या है? व्हाई, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम. क्योंकि आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे. यू आर गेटिंग योर मैसेजेस फ्रॉम गूगल. आप गूगल से अपने संदेशों को ले रहे हैं. डाउनलोडिंग यूट्यूब मैसेजेस, और यूट्यूब के संदेशों को डाउनलोड कर रहे हैं. मेनी टाइम्स यू डोंट हैव टू से दस सेज द लॉर्ड, यू हैव टू से दस सेज गूगल. बहुत बार आप ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर यूं कहता है, लेकिन आप ये कहते हैं गूगल ये कहता है. यू स्पेंड मोर टाइम ऑन व्हाट्सएप एंड यूट्यूब देन ऑन योर नीज फॉलिंग ऑन योर फेस बिफोर गॉड. आप ज्यादा समय गूगल में और यूट्यूब में बिताते हैं, इसके बजाय कि आप परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिरें. सो देयर इज नो फ्रेश मैसेज. इसलिए कोई ताजगी नहीं है. पीपल डोंट हैव द आइडिया ऑफ द नाउ मैसेज. और लोगों के पास
इस समय क्या संदेश है उसका कोई आइडिया नहीं है. नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग्स एंड सीजंस ऑफ गॉड. समय और ऋतु जो परमेश्वर से आती है उसकी समझ नहीं है. वर्शिप इज गोइंग ऑन. ओ आराधना चल रही है. देयर वाज अ सीजन ऑफ वर्शिप. हां एक समय था आराधना का. ओ फ्रॉम एवरीवेयर न्यू न्यू सॉन्ग्स केम. और हर सब तरफ से नए नए गीत आए. देयर वाज अ सीजन ऑफ फेथ टीचिंग. और एक समय था विश्वास की शिक्षा का. ऑल दोस सीजंस वर देयर. वो सब ऋतुएं थी. एंड इट कंटिन्यूज. अच्छा जारी है. But then God brings a fresh season. लेकिन परमेश्वर एक नई ऋतु को लाता if है. You catch that, यदि आप उसको पकड़ you ले, align yourself with that, यदि आप उससे तालमेल बैठा ले, लाइन you में will आ walk in such freshness of life. ओ, आप जीवन की ताजगी में चलने वाले हो जाएंगे. Amen. Nobody will get bored at your message. आपके संदेशों से लोग बोर उबेंगे नहीं. The church it will be so beautiful. और कलीसिया इतनी खूबसूरत होगी. Life will be so beautiful. और जीवन इतना खूबसूरत होगा. Life will be a music. और एक संगीत के समान जीवन हो जाएगा. Your heart, there'll be dance inside. आपका हृदय अंदर नाचेगा. There'll be such joy. और इतना आनंद होगा. Full of glory. महिमा से भरा हुआ. What is the season? तो ऋतु क्या है? Listen to this very carefully. इस बात को बड़े ध्यान से सुने. The present time, वर्तमान समय. What God is about to do or is doing. परमेश्वर जो कर रहा है what और करेगा. God wants to do. जो परमेश्वर करना चाहता है. Please listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिए. He, God wants to reveal Jesus to you in His fullness. परमेश्वर प्रभु यीशु को उसकी परिपूर्णता में आप पर प्रकट करना चाहता है. हालेलुया हालेलुया. He wants to reveal Jesus to you. वो यीशु को आप पर प्रकट करना चाहता है. He wants to give you Jesus. वो आपको यीशु को देना चाहता है. 2000 years ago he gave Jesus for you on the cross. 2000 साल पहले उसने यीशु को आपके लिए क्रूस पर फॉर यू ही गेव आपके लिए दिया. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू गिव जीसस टू यू. लेकिन अब वो यीशु को आपको देना चाहता In his है फुलनेस उसकी परिपूर्णता सो दैट योर स्पिरिट सोल एंड बॉडी विल बी फिल्ड विथ जीसस. दैट इज कॉल्ड डिवाइन यूनियन. ताकि आपकी आत्मा प्राण और देह यीशु मसीह से भर जाए और इसी को कहते हैं ईश्वरीय एकता. दैट इज द गोल ऑफ गॉड फॉर यू. परमेश्वर का निशाना आपके लिए ये है. दैट इज द गोल ऑफ गॉड फॉर हिज चर्च इन द लास्ट डेज. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का लक्ष्य कलीसिया के लिए ये है. द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल परमेश्वर के वचन की आखिरी पुस्तक इज कॉल्ड रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य. दैट इज व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू. और यही तो वो बात है जो परमेश्वर करेगा. लास्ट वर्क आखिरी काम. ही विल रिवील जीसस क्राइस्ट. और वो यीशु मसीह को प्रकट करेगा. हालेलुया हालेलुया. ही विल रिवील जीसस टू यू. वो आप पर यीशु को प्रकट करेगा. Now I'll tell you. अब मैं आपसे कहूं. Right? We talk about blessing, we talk about miracles, we talk about preachers. Bombay people get excited. जब हम आशीष की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, प्रचारक की बात करते हैं, तब मुंबई के लोग बड़े उत्साहित उत्तेजित हो जाते हैं. They will whistle, they will shout. वे सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं. But when they hear God is going to reveal Jesus to you, there is no excitement. लेकिन जब वे ये सुनते हैं कि परमेश्वर यीशु को उन पर प्रकट करेगा तब उत्तेजना नहीं दिखाई देती. हाउ मच यू हैव फॉलन. आप कितना नीचे गिर गए. वेयर आर यू. आप कहां हैं. आई हैव कम हियर टू टेल यू. मैं आपसे ये कहने आया हूं. गॉड इज गोइंग टू रिवील जीसस टू यू. परमेश्वर आप पर यीशु को प्रकट करेगा. वो वाओ. What more you want? आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? If I was in your place sitting there, I would have jumped and danced. यदि मैं आपकी जगह पे वहां बैठा होता तो ये बात सुन के ओ उछकता नाचता धड़े बांध देता. ओ मैं चारों तरफ घूम के कहता. I said, wow, that's all I want, Jesus. हाँ मैं कहता वाह मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए
issue. But the problem with today's believers is they have no joy of having just Jesus. हाँ, लेकिन आज की समस्या विश्वासियों के साथ ये है कि वे सिर्फ ईशु को नहीं चाहते हैं. Right? They want Jesus plus पैसा plus you know all those things. आज वे ईशु के साथ में पैसा, संपन्नता और दूसरी सब चीजें चाहते हैं. Oh, I have Jesus. हाँ, मेरे पास ईशु है. I want Jesus. मुझे ईशु चाहिए. And this is what God is going to do. और यही तो वो बात है जो परमेश्वर करने जा रहा है. Wow, I was waiting for this for whole life. और मैं पूरी जीवन इसी के लिए ठहरा था. That Jesus will come to me. कि यीशु मसीह मेरे पास आएगा. He will reveal himself to me. वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करेगा. I will see him. मैं उसे देखूंगा. I will have him. मैं उससे गले मिल जाऊंगा. I will possess him. और मैं उसको वश में हो जाऊंगा. From my childhood had only one desire to have Jesus. मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी, मुझे यीशु मिल जाए. And this is the time. और यही तो वो समय है. I am in the right time. और मैं बिल्कुल ठीक समय oh, पर हूं. I will celebrate. मैं उत्सव मनाऊंगा. I will have Jesus. मुझे यीशु मिल गया. What more I want? मुझे और क्या चाहिए? Because if Jesus is there, क्योंकि यदि यीशु मसीह वहाँ है, miracles are there, आश्चर्यकर्म है, prosperity is there, संपन्नता है, healing is there, चंगाई है, blessings is there, आशीष है, favor is there, favor है, even if it is not there, और यदि नहीं भी है, so what? तो क्या हुआ? I have Jesus. मेरे पास यीशु. I am satisfied. मैं तृप्त हूँ. I have the joy of having Jesus. Oh, यीशु को पाने का आनंद मेरे पास है. आमेन. आमेन. I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूं. Will you be happy if God gives you just Jesus? Nothing else. क्या आप इस बात से खुश होंगे यदि परमेश्वर आपको सिर्फ यीशु दे? Okay. Let me put it this way. मैं इस प्रकार से बोलूं. God will give you all the blessings. परमेश्वर सब आशीष आपको दे. Prosperity. तरक्की. Gold. सोना. Miracles. आश्चर्यकर्म. Without Jesus. बिना यीशु के. Wow. We finished our conference. काम हो गया. काम हो गया. Okay, right. Hallelujah. 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 When we come to that place, जब हम उस स्थान पे पहुंचते हैं, I desire just Jesus. जहां हमारी इच्छा सिर्फ यीशु हो होती है. Your time has come. आपका समय आ गया है. Time has come. आपका समय आ गया है. He will reveal Jesus to you. वो आपके ऊपर यीशु को प्रकट करेगा. And listen, सुने. The spiritual law is, principle is. हाँ, आत्मिक सिद्धांत, आत्मिक नियम ये है. What is revealed to you becomes your possession. जो बात आप पर प्रकट की गई है वो आपकी संपत्ति हो जाती है. सो इफ यू इफ जीसस इज रिवील टू यू, यदि जीसस बिकम्स योर पोजेशन. आमेन, आमेन, आमेन. यदि यीशु आप पर प्रकट किया गया तो वो आपकी संपत्ति हो जाती है. हालेलुया, हालेलुया. कैन एटलीस्ट 10 पीपल जंप एंड डांस एंड शाउट डन 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 डन. 10 लोग खड़े होकर कहेंगे जोर से आनंद मनाते हुए, हो गया, प्रभु मिल गया. हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. प्रभु यीशु को महिमा मिले. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. लिफ्ट अप योर हैंड एंड से आई वांट यू लॉर्ड. आई वांट यू अलोन. Jesus, Jesus, I want you more than anything, more than anything, more than anyone, more than anyone. I want your fullness. I want you in your fullness. I want you in my spirit. Spirit. I want you in my mind. I want you in my mind. I want you in my body. I want you in my body. Come, Jesus. Come, Jesus. Please come. Please come. I'm inviting you home. I'm inviting you home. I'm your home. I'm your home. Come, Jesus. Come, Jesus. And now clap hands and shout hallelujah. जोर से ताली बजाएं, कहें hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As you clap,
Speak in tongues and shout hallelujah. जैसे ताली बजा रहे हैं आनंदित होए अन्य भाषा में, अन्य भाषा में. Hallelujah, 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 hallelujah. Whoa! Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Thank you. There is such anointing here. इतना अभिषेक है यहाँ पे. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु. For your visitation. आप किससे मुलाकात के लिए. Freedom. स्वतंत्रता के लिए. Blessing. आशीष के लिए. Favor. फेवर के लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We worship you, Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं. Continue to help us, Lord. प्रभु आगे भी ऐसी मदद जारी रखें. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Listen, before you sit down. इसके पहले कि आप बैठे हैं. Listen to this very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुने. Please listen carefully. मेहरबानी से बड़े ध्यान से सुने. Before Jesus comes to this world in the mid-air. इसके पहले कि यीशु मसीह मध्य आकाश में आए. He will come to his people. वो अपने लोगों में पहले आएगा. He will come to you. वो आपके पास आएगा. Before he comes in the sky. इसके पहले कि आकाश में दिखाई दे. He will come to you. वो आपके पास आएगा. Aren't you happy about it? आप इस बात से खुश नहीं हैं? Before he comes in the sky, before the world sees him, he's going to come to me. हाँ, इसके पहले कि वो आए, वो मेरे पास आएगा. Yes. Listen. But brother, पर भाई, brother, I'm not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ. He will come to me. वो मेरे पास आएगा. I don't even go to church. मैं तो चर्च भी नहीं जाता. I go but I fight in the church. मैं जाता हूँ लेकिन चर्च में ना लड़ाई करता हूँ. He'll come to me. वो मेरे पास आएगा. How come? कैसे? Because of his mercy. उसकी दया के कारण. Not because you are worthy. इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं. I want to tell this to you again and again. मैं बार बार ये आपसे कहना चाहता हूँ. And I tell this with tears. और बड़े आंसुओं के साथ ये कहना चाहता हूँ. We cannot do anything to earn the mercy of God. हम परमेश्वर की दया के बिन और कुछ नहीं कर सकते. We cannot do anything to earn. हम पाने के लिए, खरीदने के लिए उसकी दया के बिना कुछ नहीं कर सकते. उसकी दया को नहीं खरीद सकते. हम उसकी दया को नहीं खरीद सकते. We cannot earn his visitation. उससे मुलाकात को हम खरीद नहीं सकते हैं. It is a pure act of love. वो प्यार का कार्य है सिर्फ. Act of his kindness. उसकी दया का कार्य है वो सिर्फ. Before he comes to the world in the mid-air, he will come to you. इससे पहले कि वो संसार में मध्य आकाश में आए, वो आपके पास आएगा. Amen. Now listen. सुनिए. Before Jesus is revealed to the world in the mid-air, second coming, before he is revealed to the world. इसके पहले कि उसका दूसरा आगमन हो और मध्य आकाश में यीशु मसीह प्रकट होए. He will be revealed inside you and me. The world will see him first. वो आपके अंदर, वो मेरे अंदर दिखाई देगा और दुनिया इस बात को देखेगी. Amen. Amen. They will see Jesus first in you and me before they see him in the sky. सबसे पहले वे यीशु मसीह को आप में और मुझ में देखेंगे इसके पहले कि वो आकाश में उसको देखें। So are you willing and ready to become the revelation of Jesus Christ? तो क्या आप यीशु मसीह का प्रकाशन बनने के लिए तैयार हैं? You are the revelation of Jesus Christ. आप यीशु मसीह का प्रकाशन हैं. What a joy! कितने आनंद की बात है। There's a book called Revelation of Jesus Christ, last book. आखिरी पुस्तक है जिसका नाम है यीशु मसीह का प्रकाशन. लास्ट वर्क, यू विल बिकम द रेवलेशन ऑफ जीसस. आखिरी कार्य, आप यीशु मसीह का प्रकाशन बन जाएंगे. जीसस विल बी रिवील्ड इन यू. और यीशु मसीह आप पर प्रकट होएगा. इन योर ऑफिस,
आपके ऑफिस में, इन योर बिजनेस, आपके व्यवसाय में, योर वर्किंग प्लेस, आपके काम करने की जगह में, व्हाई ही केप्ट यू देयर, उसने आपको वहां क्यों रखा है? बिकॉज़ पास्टर कैन नॉट गो इन दैट ऑफिस, क्योंकि पास्टर वहां ऑफिस में नहीं जा सकता. दोस पीपल डोंट कम टू चर्च, वे लोग चर्च नहीं आते हैं. He kept you there to reveal Jesus through you. लेकिन उसने आपको वहां रखा है कि आपके द्वारा यीशु मसीह दिखाई दे. Hallelujah. Hallelujah. He has his people everywhere. उसके लोग उसने सब जगह रखा है. And the time has come. और समय आया है. Through them he will reveal himself. और उनके द्वारा वो अपने आप को सब पर प्रकट करेगा. And millions will come to Jesus. और लाखों यीशु के पास आएंगे. Millions will receive healings and miracles. और लाखों यीशु मसीह में चंगाई और आश्चर्य. Big revival will come. और एक बड़ी जागृति आएगी. India will come to Jesus Christ. और भारत यीशु मसीह के पास आएगा. Nations will come to Jesus. देश पर देश यीशु मसीह के पास आएंगे. Because Jesus will be revealed in his people and through his people. क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों में और उनके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा. When this is done, then Jesus will come in heaven. जब ये कार्य हो जाएगा तब यीशु मसीह मध्य आकाश में दिखाई देगा. Hallelujah. 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 Did you get the clarity of the times? क्या आप समय की बात को पहचाने? Season what we are entering. कौन सी ऋतु है जिसमें हमने प्रवेश कर लिया है? We have entered the season of the revelation of Jesus. हम यीशु मसीह के प्रकाशन के समय में प्रवेश किए हैं. We have entered the time when Jesus will come to his people. हम एक ऐसे समय में पहुंचे हैं जहां यीशु मसीह अपने लोगों पर प्रकाशित किया जाएगा. God wants us to have Jesus in his fullness. परमेश्वर यीशु मसीह को उसकी परिपूर्णता में देखना चाहता था. Amen. Amen. When you walk, Jesus will walk through you. जब आप चलेंगे यीशु मसीह आपके द्वारा चलेगा. Jesus will talk through you. जब आप बात करेंगे यीशु मसीह आपके द्वारा बात करेगा. Jesus will see through your eyes. आपकी आंखों से यीशु देखेगा. Touch through your hands. आपके हाथों से छुएगा. Weep through you. Weep through you. आपकी आंखों से रोएगा. Christ in you, the hope of glory. मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में बात करता है. Are you ready? आप तैयार हैं? You are the house of God. आप हैं परमेश्वर का घर. The kingdom of God is in you. परमेश्वर का राज्य आप में है. You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हैं. Amen. Amen. Don't settle for anything less than this. इससे कम किसी भी बात पर सहमत ना होएं. Amen. Amen. Don't be satisfied with little preaching. छोटे से प्रचार से संतुष्ट ना हुए. I have 10,000 members in my church. मेरे चर्च में 10,000 लोग हैं. Don't be satisfied with 10,000. वो 10,000 से संतुष्ट नहीं हुए. You need Jesus in his fullness. आपको यीशु मसीह उसकी परिपूर्णता. Millions will come. Millions will come. लाखों आएंगे. लाखों आएंगे. Don't be satisfied with little ministry. छोटी सी सेवकाई से संतुष्ट ना हुए. No, thank God for that. परमेश्वर को धन्यवाद उसके लिए. Thank God for what God is doing. परमेश्वर क्या कर रहा है उसके लिए धन्यवाद. As the deer panteth for the water, so my soul longeth for thee, O God. जैसे हरनी नदी के जल के लिए हांफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं. My business will prosper one side. हाँ, मेरा बिजनेस व्यापार एक तरफ संपन्न होगा. My work will prosper. मेरा काम भी बढ़ेगा. My ministry will prosper. मेरी सेवकाई भी बढ़ेगी. My family will be blessed. मेरी परिवार आशीषित होगा. I will see miracles. मैं आश्चर्यकर्म देखूंगा. But with all this, लेकिन इन सब के बावजूद, God, I want to know you in your fullness. परमेश्वर मैं आपको आपकी परिपूर्णता में जानना चाहता हूँ. Jesus should be revealed in me. यीशु मसीह मुझ में प्रकट हो. I want divine union. मुझे ईश्वरीय एकता चाहिए. Somebody shout, yes Lord. Yes Lord. Yes, Lord. Amen. Clap hands. Amen. And praise the Lord. ताली बजाए परमेश्वर को महिमा दें. Before you sit down, इसके पहले कि आप बैठें, pray one small prayer. एक छोटी सी प्रार्थना करें. For your sake. अपने खुद के लिए. Lord, one thing I'm asking. प्रभु मैं एक बात मांग रहा हूं. In my lifetime, मेरे जीवन पर्यंत, I should have your fullness. मुझे आपकी परिपूर्णता मिले. Help me. मेरी सहायता करें. I don't know much what this preacher is saying. मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम ये प्रीचर क्या कह रहा है. But I want you, Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मुझे आप चाहिए. I want you. मुझे आप चाहिए. Tell him with all your heart. अपने पूरे हृदय से कहें. I want to become one with you. मैं आपके साथ एक हो जाना चाहता हूं. I want Jesus to be revealed through me.
मैं चाहता हूं यीशु मसीह मेरे द्वारा प्रकट होए. He should be seen. वो दिखाई दे. Through me, in me. मुझ में और मेरे द्वारा. Jesus should be seen. यीशु मसीह दिखाई दे. That's all I want. बस इतना ही मुझे चाहिए है. Pray, pray, pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. लॉर्ड टच देम, लॉर्ड. प्रभु इन्हें स्पर्श करें. टच 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 एवरीबॉडी. प्रभु हर एक को स्पर्श करें. जीसस विल बी सीन इन देम. ताकि उनमें से यीशु मसीह दिखाई दे. यू आर ट्रस्टिंग देम, दैट्स व्हाई यू पुट देम इन द प्लेस वेयर दे आर. हाँ, आज वे जहां पे हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप उन पे विश्वास कर रहे हैं, भरोसा करिए हैं. टू रिवील जीसस थ्रू देम टू द पीपल अराउंड देम. ताकि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनके द्वारा आप यीशु मसीह को दिखाएं. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू जीसस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ग्लोरी टू गॉड. क्विकली give high five to at least 4 people and then sit down. जल्दी से चार लोगों को थप्पड़ी दे ऐसे और फिर बैठ जाए. On the hand, हाथ पे, हाथ पे. एक दूसरे के हाथ पे मारे. गाल पे नहीं, हाथ पे. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Are you learning something? Yes. Shall we go ahead? Praise the Lord. ये इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं. आपकी नौकरी चले जाएंगी. Oh, right. He will lose his job. If you answer only in English. Praise the Lord. Jesus is going to come into you. यीशु मसीह आप में आएगा. एंड यू इन हिम. और आप उसमें. डिवाइन यूनियन. ईश्वरीय एकता. वननेस. एकता, एक होना. आमेन, आमेन. दैट इज गॉड्स गोल. यह है परमेश्वर का लक्ष्य. होल बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन इज दैट. आप पूरी बाइबल में देखें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक. इट्स अबाउट डिवाइन यूनियन. और वो बात बताती है ईश्वरीय एकता के विषय. लेट मी टेक यू लिटिल फर्दर. मैं और थोड़ा आगे ले जाऊं. एंड शो यू हाउ विल गॉड डू दिस. परमेश्वर कैसे इस कार्य को करेगा. हाउ विल गॉड ब्रिंग दिस डिवाइन यूनियन. ये ईश्वरीय एकता परमेश्वर कैसे लेकर आएगा. आई जस्ट हैव टू पॉइंट्स टू कवर टुनाइट. और आज रात मेरे पास दो बिंदु हैं जिनको मैं आपको बताऊं. कैन वी गो लिटिल फास्टर. और हम जल्दी जल्दी जाएंगे. आप इतना देर से बोलो तो ये भी देर करेंगे. कैन वी गो लिटिल फास्टर. ओके. हाउ विल गॉड डू दिस डिवाइन यूनियन. परमेश्वर ये कैसे ईश्वर ये एकता को पूरी करेगा. He will do this, he will bring Christ into you in his fullness by bringing you down. हाँ, ये ईश्वरीय एकता का काम वो करेगा यीशु मसीह को आपके अंदर लाके आपको नीचा लाकर. No. He will reveal Jesus to you. वो यीशु मसीह को आप पर प्रकट करेगा. How will he do this work? कैसे वो ये काम करेगा. By bringing you down first. हाँ, पहले आपको नीचे लेकर आएगा. क्योंकि आप बहुत ऊपर है. खास करके मुंबई के बिलीवर्स. This conference is to bring you down. ये कॉन्फ्रेंस है आपको नीचा लाने के लिए. ब्रदर पहले क्यों नहीं बताया आपने. भाई पहले क्यों नहीं बताया आपने. He wants to bring you down. He will do it by bringing you down. हाँ, वो ये काम करेगा आपको नीचे लाकर. You want Jesus, isn't it? आपको यीशु चाहिए ना. You want to become one with him. आपको उसके साथ एक होना है ना. You want to possess him. आपको उसे पकड़ लेना है. Yes. Right. Possess him. वश में कर लेना है. ओके, राइट. बट यू कांट. पर आप नहीं कर पाएंगे. बिकॉज यू आर अप. क्योंकि आप बहुत ऊंचे पे हैं. ही इज डाउन. वो नीचे है. यू नो द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन इन द होल यूनिवर्स इज गॉड. पूरे ब्रह्मांड में सबसे नीचा व्यक्ति यदि कोई है. सबसे नीचे है. जो सबसे नीचे है. हम्बल. नम्र है. वेरी लो.
बहुत नीचे दीन है, इज जीसस, वो यीशु है। We don't see him. हम उसे नहीं देखते। Because we are looking up. क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं। Oh God, oh God. ए परमेश्वर. You can't see him. आप उसे नहीं देखेंगे। Why? क्यों? Because he is sitting in front of you and washing your feet. क्योंकि वो आपके सामने बैठ के आपके पैरों को धो रहा है। And you are not in the habit of looking down. और आप नीचे देखने के आदी नहीं हैं। You are not in the habit of going down. आप नीचे जाने के आदी नहीं हैं। Do you know the Bible says? आप जानते हैं बाइबल कहती है? The earth is the Lord's and the fullness thereof. किस पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी परमेश्वर की है? Earth is the Lord's. पृथ्वी परमेश्वर की है? Correct. The Bible says the meek will inherit the earth. और बाइबल कहती है नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। He owns the earth. वो पृथ्वी का अधिकारी है। Because he is meek, the meek will inherit the earth. हाँ, क्योंकि वो नम्र है और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, Learn from me, I am meek and lowly in heart. मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। Did you go to Jesus anytime? कभी आप यीशु के पास गए? Oh Jesus, you said, Learn from me. और ये कहते हुए कि आपने कहा मुझसे सीखो, हाउ टू बी मीक एंड लोली, कैसे नम्र और दीन बनूं? आई एम कमिंग टू यू टुडे विद माय बुक एंड पेन, टेल मी हाउ टू बी मीक एंड लोली। मैं अपनी बुक और पेन लेके आया हूं, आज आप मुझे बताएं मैं कैसे अपने जीवन में नम्र और दीन बनूं। बट बॉम्बे क्रिश्चियंस विल नॉट डू दैट। लेकिन बॉम्बे के मसीह वो नहीं करेंगे। दे विल गो विद पेन एंड नोटबुक सेइंग, जीसस टेल मी हाउ टू बिकम पावरफुल। हाँ, वे नोटबुक और पेन लेके जाएंगे और कहेंगे यीशु मसीह बता हम कैसे सामर्थी बने, हाउ टू रेज ऑफरिंग, चंदा कैसे इकट्ठा करें, हाउ टू मेक पार्टनर्स, पार्टनर सहयोगी कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड बिग मिनिस्ट्री, और बड़ी सेवकाई कैसे बनाएं। व्हाट जीसस सेड लर्न फ्रॉम मी वी डोंट वांट टू लर्न, व्हाट ही नेवर सेड वी वांट टू गो एंड लर्न। जो यीशु मसीह ने कहा वो हम बनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह ने नहीं कहा हम वो बनने के लिए उसके पास जाते हैं। He said, if you become meek and lowly, I am also meek and lowly, we can talk to one another face to face, meek and meek will become friends. यदि तुम नम्र और दीन बनोगे, क्योंकि मैं भी नम्र और दीन हूं, तब मैं और तुम आमने सामने उस नम्रता में बात करेंगे। Moses was meekest man, I am meek, so we spoke face to face. मूसा सारी पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र स्वभाव का था, इसीलिए मैं उसके साथ आमने सामने बात कर सका। But with other prophets, only in visions. लेकिन दूसरे भविष्यवक्ता उनसे सिर्फ दर्शन में। With prophecy. भविष्यवाणी में. So all people are very happy. I see visions. I get prophecy. लोग खुश हो जाते हैं, मुझे दर्शन मिला, मुझे prophecy मिली. और बहुत नीचे आना है. You have to come down. आपको नीचे आना है. Because God is down. क्योंकि परमेश्वर नीचे है. Don't try to go down now. अब नीचे जाने की कोशिश नहीं करें। You cannot go down on your own. क्योंकि आप अपने आप से नीचे नहीं जा सकते हैं। But if you see the meek one Jesus, you will go down. लेकिन यदि आप नम्र यीशु को देखेंगे तब फिर आप उसके पास नीचे जाएंगे। On your own you cannot go down. आप अपने आप से नीचे नहीं जा पाएंगे। The tendency of the fallen man is to come up. गिरे हुए मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो ऊपर जाए। All the time boasting. हर समय घमंड। एनी पास्टर एनी प्रीचर्स बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, ही डजंट नो गॉड। हाँ, कोई भी पास्टर कोई भी प्रचारक अपने विषय में घमंड करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। एनी पास्टर बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ हिज मिनिस्ट्री, ही डजंट नो जीसस। कोई भी पास्टर प्रचारक अपनी सेवकाई अपनी बात की बड़ाई करे वो यीशु को नहीं जानता है। द लोलीएस्ट पर्सन इज जीसस। यीशु मसीह सबसे दीन। He's so humble that he doesn't want to be seen. Therefore, he is invisible. वो इतना नम्र है कि वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो अदृश्य है। But today we want to do little and we want to be seen. आज तो हम थोड़ा सा करते हैं और दिखाई देना चाहते हैं। Nobody's like me in Mumbai. मुंबई में मेरे समान कोई नहीं है।
Jesus is very lowly. यीशु मसीह बहुत You know, friends, नीचे we need to get God's perspective. मेरे मित्रों हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण चाहिए We should see as God sees. जैसा परमेश्वर देखता हमें वैसा देखना For example, है उदाहरण के लिए चर्च ऑफ स्मरना स्मरना की कलीसिया Jesus said, यीशु ने कहा I know your poverty. मैं तेरी दरिद्रता को गरीबी को जानता हूं But you are rich. लेकिन तू धनी है In the eyes of the world, you are poor. लोगों की दृष्टि में तू गरीब है But in my eyes, you are rich. लेकिन मेरी आंखों में तू धनी है All churches look at you and say, oh, poor pastor, poor church. In my eyes, you are rich. सब कलीसिया सब आसमानों की दृष्टि में आप छोटे हैं गरीब हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी हैं God doesn't see as man sees. जैसा मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता Especially as Mumbai Christian sees, God doesn't see like that. विशेष तौर से मुंबई के मसीहों को वो वैसा नहीं देखता है As Mumbai Christian sees. जैसा मुंबई के लोग देखते हैं परमेश्वर वैसा उनको नहीं देखता है Okay, right. Okay, right. He's not getting it. Okay, right. Okay, right. Now listen carefully. ध्यान से सुने. We should see as God sees. जैसा परमेश्वर देखता है हम वैसा देखें. Church of Laodicea. लौदिकिया की कलीसिया. Jesus looked at them. परमेश्वर ने उनको देखा. You say you have everything. तू कहता है कि तेरे पास सब कुछ है. You don't need anything. तुझे कुछ नहीं चाहिए. You have everything. You don't need anything in the world's eyes. दुनिया की दृष्टि में तुम्हारे पास सब कुछ है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए But Jesus says, लेकिन यीशु मसीह कहता In my eyes, मेरी आंखों में You are poor, तू गरीब है miserable, wretched, naked, blind. दरिद्र है अभागा है अंधा है नंगा है नंगा है You got it. शर्मा रहे आप right? You are wretched. तू अभागा You are poor. गरीब है Miserable. ओ अभागा है Blind. अंधा But outside. लेकिन बाहरी तौर पे We don't need anything. हमें कुछ नहीं चाहिए We have sound system. हमारे पास साउंड सिस्टम है Very good musicians. बहुत अच्छे बजाने वाले Good worshippers. बहुत अच्छे आराधना करने Good hall. बड़ा हॉल है Rich people. ओ धनी लोग हैं Top people in our church. हमारी कलीसिया में बड़े बड़े लोग हैं We have everything. हमारे पास सब कुछ है We don't need anything. हमें कुछ नहीं चाहिए Jesus says, यीशु कहता है You are neither hot nor cold. I will spew you out of my mouth. ना ही तू गर्म है ना ठंडा है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं We think we are something. हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं We are A world sees us how the world sees us. और जैसे दुनिया हमें देखती है We think we are like that. हम उस प्रकार से हैं We should get God's perspective. लेकिन हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण चाहिए Please listen. सुने ध्यान से Ask the Lord to show you how He sees you and your church. आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको और आपकी कलीसिया को कैसा देखता है Lord, I'm a big man. प्रभु मैं बड़ा व्यक्ति हूं Yes. The problem with us is we all have very big image of ourselves. समस्या ये है कि हम स्वयं में अपनी एक बड़ी पहचान रखे हुए हैं। We are too big in our eyes. अपनी खुद की आंखों में हम एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। Ask God to show you how am I in your eyes. परमेश्वर से मांगे कि आप उसकी आंखों में कैसे हैं। याक, याक, याक। We got it. Perfume. Wow. ऐसा लगा लिया वाह क्या खुशबू है In the eyes of people. लोगों की दृष्टि In my eyes. मेरी आंखों में I'm a big man. मैं बड़ा व्यक्ति हूं Ask God to show you how he sees you. परमेश्वर से मांगे वो आपको कैसा देख रहा है How he sees your church. वो आपकी कलीसिया को कैसा देख रहा है Seriously, I'm telling you, not just preaching. मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं गंभीर बात आपसे Go home, one month pray, say, Lord, show me how I'm in your eyes, Lord. घर जाएं, एक महीना प्रार्थना करें परमेश्वर से मांगे और पूछे परमेश्वर आपकी दृष्टि में मैं How am I, Lord? How am I in your eyes? प्रभु मैं आपकी दृष्टि में कैसा हूं How am I? Please show me, Lord. प्रभु मेहरबानी से मुझ पर प्रकट करें मैं आपकी दृष्टि में कैसा हूं If God loves you, he will show you. यदि वो आपसे प्यार करता है वो दिखाएगा Otherwise, he'll not show you.
नहीं तो वो नहीं दिखाएगा. यू आर अरोगेंट मैन, ही विल नॉट शो यू. वो आप हटी हैं, वो आपको नहीं बताएगा. आर यू फॉलोइंग? आप समझ रहे हैं? हम्बल मैन, आप नम्र हैं. यू रियली वांट टू चेंज? और सचमुच में बदलना चाहते हैं? देन गॉड विल शो यू. तब परमेश्वर बताएगा. आमेन, आमेन. God, show me how I am in your eyes. प्रभु मैं आपकी दृष्टि में कैसा हूं. Now let me take you into this message. अब मैं इस संदेश में आगे ले जाऊं. And show you. He will show. And show you. और वो बताएगा. No, let me take you further in the message and show you. हाँ, मैं आपको संदेश में आगे ले जाऊं और दिखाऊं. How God sees most of you today. आज आप में से अधिकतर लोगों को परमेश्वर कैसे देखता है. How you are in his eyes today. आज आप उसकी दृष्टि में कैसे दिखाई देते हैं? Not all. Not all. सब नहीं. But most of you. लेकिन अधिकतर. Many churches. बहुत सारी कलीसियाएं. Many pastors. बहुत सारे पासवान. Outside very good. बाहर बहुत अच्छे हैं. Good believers. बहुत अच्छे विश्वासी. But today. लेकिन आज. How are you? In the eyes of God. परमेश्वर की आंखों में आज आप कैसे हैं? We will see that. हम उसको देखेंगे. And then slowly we'll wind up the message. और फिर धीरे से संदेश समाप्त करेंगे. In 3 to 4 hours. 3-4 घंटे में. No. नहीं, बिल्कुल नहीं. Okay, now listen. सुनिए. How does God see? परमेश्वर कैसे देखता है? In this season. इस ऋतु में. How is God seeing people? How are they in his eyes? परमेश्वर लोगों को कैसे देख रहा है? लोग उसकी दृष्टि में कैसे हैं? Many believers. बहुत सारे विश्वासी. Many preachers and pastors and churches. बहुत सारे प्रचारक, पास्टर और कलीसियाएं. Many ministries. बहुत सी सेवकाएं. In the eyes of God today. आज परमेश्वर की दृष्टि में. Are like Naaman from the Bible. बाइबल के नमान के समान है. यू आर लाइक नमान. आप नमान के समान हैं. आर यू फॉलोइंग? आप समझ रहे हैं? आई विल टेल यू लिटिल अबाउट नमान. मैं नमान के विषय में थोड़ा आपको बताता हूं. एंड देन वी विल वाइंड अप हाउ द स्टोरी एंड्स. और फिर हम समाप्त करके ये बताएंगे कहानी खत्म कैसे हुई. इट विल नॉट कीप यू लॉन्ग. ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे. Now listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिए. How was Naaman? और नमान कैसा था? Listen quickly. बड़े ध्यान से जल्दी से सुनिए. Naaman was the captain of the army of Syria. आराम के राजा की सेनापति नमान था. Very big post. बहुत बड़ी पद था. Highest post in the country next to king. हाँ, देश में राजा के बाद सबसे बड़ा पद. Very honorable. बहुत प्रतिष्ठित. Through him God gave deliverance to Syria. उसके द्वारा सीरिया को परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया. A great man. एक बड़ा व्यक्ति. टुडे आज many preachers and pastors. बहुत से प्रचारक और पास्टर. आर हैविंग अ पोजीशन. उनके पास एक पद है. ऑनरेबल. बहुत प्रतिष्ठित. ग्रेट पीपल. बड़े लोग. ग्रेट बिलीवर्स. बड़े विश्वासी. ग्रेट मिनिस्ट्री. बड़ी सेवकाई है. थ्रू देम गॉड ब्रॉट डिलीवरेंस मेनी टाइम्स. हाँ, उनके द्वारा कई बार परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया. लाइक नेमान. नमान के समान. Everything is good. हर एक बातें अच्छी हैं. But what was Naaman's problem? लेकिन नमान की समस्या क्या थी? He was a leper. वो एक कोढ़ी था. He was a leper. वो कोढ़ी था. Captain of army. Honorable. सेना का सेनापति. प्रतिष्ठित. Big man. बड़ा आदमी. Mighty man of valor. ओ, बड़ा शूरवीर. God used him. परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. To bring deliverance. उसको छुटकारा दिलाने के लिए. But परंतु inside, अंदर leprosy is eating him. और कोढ़ उसको खा रही थी. Today, आज many of you are like that. आप में से बहुत से लोग you ऐसे have position, हैं. आपके पास you एक have पद ministry, है. सेवकाई है. You have prosperity. आपके पास संपन्नता है. You have honor. आदर है. You have good name. नाम है अच्छा. God used you. परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल But किया है. Inside, something is eating you up. लेकिन अंदर कुछ बात है जो आपको खा रही है. It's eating your prayer life. Your prayer life is leprosy. हाँ, आपका प्रार्थना का जीवन जो है वो कोढ़ी है. Leprosy is eating your prayer life. Leprosy is eating your prayer life. कोढ़ जो है वो आपके प्रार्थना के जीवन को खा रहा है. Leprosy. कोढ़. Something is eating you. वो आपको खा रहा है. But outside everything is going well. लेकिन बाहरी रूप में सब कुछ अच्छा चल रहा है. Inside family life is being eaten. हाँ, अंदर पारिवारिक जीवन खा रहा है. Holiness is being eaten by leprosy.
और कोढ़ जो है वो पवित्रता को खा रहा है. Something is wrong inside. अंदर कुछ गलत है. Outside everything good. बाहर सब अच्छा है. In the eyes of God, परमेश्वर की दृष्टि में something is wrong. कुछ गलत है. But let me tell you. लेकिन मैं आपसे कहूं. The story doesn't end there. Oh, कहानी वहां खत्म नहीं हुई. Naaman didn't end up as a leper. नमान कोढ़ के साथ समाप्त नहीं हुआ. Naaman ended up as a transformed man. नमान जो है परिवर्तित व्यक्ति के समान अपना जीवन. हालेलुया, हालेलुया. He was totally transformed. पूर्ण तौर से परिवर्तित किया गया. His spirit, mind and body was transformed. उसकी आत्मा, प्राण और देह परिवर्तित कर दी गई. That is how your story is going to end. आपकी कहानी भी ऐसे ही समाप्त होगी. Today you may be a leper, secret leper inside. हाँ, हो सकता है छिपे हुए कोड़ी हो आज आप. Outside everything is good. बाहर तो सब अच्छा चल रहा है. But there is some area where things are not right. लेकिन कुछ स्थान है जहाँ बातें ठीक नहीं है. And it's breaking your heart. और वो आपके हृदय को तोड़ रही God, है. Everything is good. ओ, सब कुछ तो ठीक है. But Lord, this area is not good. लेकिन ये एरिया जो है वो ठीक नहीं है प्रभु. God is going to come there. प्रभु वहीं आएगा. In that area God will show up. परमेश्वर उसी स्थान पर प्रकट करेगा. He will transform you. वही बदलेगा. Your dead relationship will come back to life. आपके मृत रिश्ते जो है वो ठीक हो जाएंगे. Your जीवन dead kidneys, pancreas, some organ of the body will come back to life. हाँ, आपकी मरी हुई किडनियां जो है, गुर्दे जो है, pancreas जो है, उनमें जीवन आ जाएगा. Some dead area of your ministry will come back. आपकी सेवकाई के कुछ क्षेत्र जो मरे हुए से हैं, उनमें जीवन आ जाएगा. Dead prayer life will come back. आपके मरा हुआ प्रार्थना के जीवन में जीवन आ जाएगा. Dead finance will come back. आपके आर्थिक बात में जीवन आएगा. But more than that, लेकिन उन सबसे बढ़कर you will be transformed in your spirit, soul and body. आप अपनी आत्मा, प्राण और देह में परिवर्तित कर दिए जाएंगे. Hallelujah! Hallelujah! We are going back again to the same place. हम फिर से वापस उसी जगह पे जा रहे हैं. Transformed spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और देह में परिवर्तन. Oh, hallelujah! Hallelujah! I am here to tell you. मैं यहाँ पे हूँ ये कहने के लिए. The power that is going to come in this season is not just spiritual power. It will transform your bodies also. इस समय का जो ऋतु है उसमें सिर्फ सामर्थ्य आपके अंदर आत्मिक जीवन को बदलने के लिए नहीं आएगी सिर्फ, लेकिन आत्मा, प्राण और देह को भी बदलेगी. नेमान स्टोरी एंड्स विद ट्रांसफॉर्मेशन. और नामान की कहानी समाप्त हुई पूरे परिवर्तन के साथ. आमेन, आमेन. यू नो हाउ नेमान वाज ट्रांसफॉर्म्ड. आप जानते हैं नामान कैसे बदल गया. हाउ हैप्पी ही वाज. कितना खुश था वो. Fully changed. पूरी तौर से बदल गया. That is how your story is going to be. आपकी कहानी भी ऐसे ही समाप्त होगी. Fully changed. पूरी तौर से बदल गया. Shout and say, I will be transformed. जोर से चिल्ला के कहें, मैं परिवर्तित होऊंगा. My spirit, my mind, my body will be transformed. I am about to be transformed. Yay! God, I thought you'll get excited. I am about to be transformed. Joseph. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. You know, with all other things you get excited, but when we say revelation of Jesus, you are not excited. आप बाकी दूसरी सब बात से उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन जब यीशु के प्रकाशन की बात आती है तब नहीं होते आप. You get excited with all other things, but when we talk about complete transformation, you don't get excited. आप दूसरी बातों से उत्तेजित होते हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तब उत्तेजित नहीं होते. Come on, you are going to be transformed, spirit, soul, and body. आप अपनी आत्मा, प्राण और देह में पूर्ण रूप से परिवर्तित होंगे. Amen. 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 How did Naaman get transformed? नमान कैसे परिवर्तित हुआ? Just see this for 10 minutes. 10 मिनट हम देखेंगे. And then we will close. और हम समाप्त करेंगे. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Right? When they say 10 minutes, it is Indian 10 minutes. जब मैंने कहा 10 मिनट, तो ये भारतीय समय 10 मिनट. Okay. Now listen. सुनिए. How did Naaman transform? कैसे नमान बदला? Very interesting story. बड़ी दिलचस्प कहानी है. God had to bring him down.
परमेश्वर को उसे नीचे लाना पड़ा। Honorable man, प्रतिष्ठित व्यक्ति नीचे आना पड़ा। Captain of the army, ओ सेना का सेनापति नीचे आना पड़ा। Great man, बड़ा महान आदमी नीचे आना पड़ा। Yes, honorable man, नीचे आना पड़ा। Honorable man, great man, big pastor, well-known pastor, big ministry, big church, stylish pastor, bolo, big believer, abhi time aa gaya Bombay ke sab logon ko, hallelujah. wahi bolne ke liye aaya hu main, aap log ko niche aana padega. आप नहीं आएंगे तो वो लेके आएगा। हालेलुया। सॉरी। हालेलुया। आमेन। द टाइम हैज कम, समय आ गया है। जीसस लव्स यू, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। सो ही इज गोइंग टू ब्रिंग यू डाउन, तो वो आपको नीचे लेकर आएगा। Amen. Amen. Whom Jesus wants to transform, only them he will bring down. जिसको यीशु मसीह बदलना चाहता है सिर्फ उसको नीचे लेकर आएगा। Amen. Amen. Who love humility, he'll come bring them down. जो नम्रता पसंद करता है यीशु मसीह उसको नीचे लेकर आए। He resisted the proud, he gives grace to the humble. वो घमंडियों का सामना करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। Some want to only fly. I am a big man, I will not come down. God will say, continue. कुछ लोग बोलेंगे, अरे मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं। यीशु मसीह बोलेगा, ठीक है, चलने दो। Big stone, बड़े पत्थर। Too big to fit in my hand to kill Goliath. बहुत बड़े हो मेरे हाथ में समाकर गोलियत को मारने के लिए। I am looking at small stones. मैं छोटे छोटे पत्थरों को ढूंढ रहा हूं। To hit Goliath. गोलियत को गिराने के लिए। हालेलुया। एनी स्मॉल स्टोन हियर, कोई यहां पे? ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर को महिमा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गॉड ब्रॉट नेमान डाउन, परमेश्वर ने नमान को नीचे ले आया। बिकॉज़ गॉड लव्ड नमान, क्योंकि परमेश्वर नमान से प्यार करता था। टू ट्रांसफॉर्म नमान, वो नमान को परिवर्तित करना चाहता था। क्विकली लेट अस सी हाउ गॉड ब्रॉट हिम डाउन, और जल्दी से देखें कैसे परमेश्वर ने नमान को परिवर्तित किया। दिस इज कॉन्फ्रेंस, सो आई एम टेकिंग टाइम। ये कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं समय ले रहा हूं। इफ इट वाज बिलीवर्स मीटिंग, वुड बी डन इन 45 मिनट्स। यदि विश्वासियों की सभा होती 45 मिनट में समाप्त। यू पेड सो मच, सो राइट। उसूल क्या होते, व्हाट दे से, वसूल होना है, राइट? पैसा पूरा वसूल। हाँ, नहीं तो बोलेंगे ब्रदर आज 250, कल 250। बट सिर्फ 150 का सुने, राइट? लिसन, सुनिए। गॉड हैड टू ब्रिंग नमान डाउन, परमेश्वर को नमान को नीचे लाना पड़ा। हाउ, कैसे? नमान इज अ बिग मैन, नमान एक बड़ा व्यक्ति है। ही डजंट लिसन टू ऑर्डिनरी पीपल, वो साधारण लोगों की बात नहीं सुनता। सो द मेड सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की जो एक सेविका थी, दासी थी, कैप्टिविटी, जो बंधुआई में लाई गई थी, शी टेल्स, वो कहती है, व्हाई डजंट आवर मास्टर गो टू इजराइल, हमारा स्वामी इसराइल क्यों नहीं जाता? There is a prophet there, he will heal him. वहां पे एक नबी है, वो उसको चंगा कर देगा। Who is speaking? कौन बोल रहा है? That नौकरानी। वो नौकरानी। In our house. हमारे घर की नौकरानी। That small girl. वो छोटी सी बच्ची। I am captain. मैं सेनापति हूँ। I am honorable. मैं प्रतिष्ठित हूँ। I should listen to that little girl. मुझे उस छोटी सी बच्ची की बात सुनना। Come down, Naman. नमान नीचे आ। Come down. नीचे आ। Come down. नीचे आ। So he has to listen to one smallest. He is the biggest. He has to listen to the smallest. वो सबसे बड़ा है, लेकिन जो सबसे छोटी है, उसकी बात उसको सुनना है।
आपका टाइम आ गया है, आपका समय आ गया। हालेलुया। टाइम्स एंड सीजंस आर इन हिज हैंड। ऋतु और समय उसके हाथ में है। ही विल चेंज इट। वो बदल देगा। बिग मैन, बड़े पुरुष। ही विल मेक यू टू लिसन टू स्मॉल पर्सन। आपको वो ऐसा बनाएगा कि आप छोटे व्यक्ति की सुने। गॉड नोज हाउ टू ब्रिंग यू डाउन। परमेश्वर को मालूम है आपको कैसे नीचे लेकर आए। बट इफ यू आर विलिंग, लेकिन यदि आप इच्छुक फॉर योर बेनिफिट, वो आपके लिए लाभ होएगा। आमेन, आमेन। सो ही हर्ड द लिटिल गर्ल। तो उसने उस छोटी लड़की की बात सुन ली। देन ही गॉट रेडी। तब तैयार हुआ। ही वेंट टू इजराइल। और इजराइल में गया। कटिंग शॉर्ट द स्टोरी। और कहानी छोटी कर रहा हूं। एंड स्ट्रेट अवे नो ही वाज लेड फ्रॉम द किंग टू द प्रॉफिट। हाँ, फिर वो राजा के पास गया, लेकिन वहां से फिर नबी के पास पहुंचा। ओके, नाउ ही गोज टू द प्रॉफिट। और अब नबी के सामने है। कैप्टन ऑफ द आर्मी हैज कम। सेना का सेनापति आके खड़ा हुआ है। ऑफ सीरिया, सीरिया का किंग ऑफ सीरिया हैज सेंट हिम। हाँ, और आराम के राजा ने उसको भेजा है। नाउ दिस मैन थिंक्स, नामान थिंक्स। और नामान सोचता है, आई एम इंपॉर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। लाइक वी थिंक इन आवर ओन आईज, हाँ, जैसे हम अपनी आंखों में देखते हैं अपने आप को। हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, कैसे हम अपने लिए सोचते हैं। आई एम बिग पास्टर, मैं बड़ा पास्टर हूँ। ये छोटी मीटिंग है। ये छोटी मीटिंग। बिग पास्टर। सो नेमान थॉट, नामान ने सोचा, द प्रॉफिट विल कम आउट, नबी बाहर आएगा। ओ कैप्टन, सेनापति आया है। वीडियो वीडियो, टर्न द वीडियो हियर। यहां यहां, वन सेल्फी, एक सेल्फी। कैप्टन, सेनापति, सीरिया, आराम का राजा, सेल्फी, सेल्फी। आई विल प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। फर्स्ट आई विल सिंग वन सॉन्ग, पहले मैं एक गीत गाऊंगा। आई विल ले हैंड्स व्हेरेवर द लेप्रोसी इज, जहां कहीं भी कोढ़ है मैं वहां हाथ रखूंगा। बिकॉज दिस प्रॉफिट्स आईज आर नॉट ऑन जस्ट हिज हीलिंग, क्योंकि इस नबी की आंख सिर्फ उस चंगाई पे नहीं है। His eyes are on after healing, he will go and send big donation. लेकिन चंगाई के बाद जो बड़ा दान भेजेगा उस पे आंख लगी है। Do you think all these preachers love you? आप क्या सोचते हैं ये सारे प्रचारक आपसे प्यार करते हैं? They love your money. वे आपके पैसे से प्यार करते हैं। Not every preacher loves you. हाँ, सब प्रचारक आपसे प्यार नहीं करते हैं। But your true pastor loves you. लेकिन आपका सच्चा पासबान आपसे प्यार करता है। He will cry for you. वो आपके लिए रोएगा। He will pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। He will come with you to the hospital. और वो आपसे मिलने अस्पताल आएगा। When you are in police station, he will come with you to the police station also. जब आप पुलिस स्टेशन में होंगे तो वहां मिलने भी आपसे आएगा। When you are in trouble, he will come with you. हाँ, जब आप समस्या में होंगे तो वो मिलने आएगा। Because that is your pastor. क्योंकि वो आपका पास्टर है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Visiting preacher only pay visit and go. हाँ, जो थोड़े समय के लिए आते हैं वो आएंगे और फिर चले जाएंगे। Oh, Naaman thought. नामान ने सोचा। You know, Naaman is used to thinking that he's the center all the time. हाँ, नामान हर समय ये सोचता था कि वो सब चीज का केंद्र बिंदु है। I am the center of the scene. हाँ, पूरी उस तस्वीर का मैं केंद्र हूँ। Prophet will come and touch me. नबी आएगा, मेरे को छुएगा। It will be video recorded. वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। Then it will be uploaded. फिर उसके बाद अपलोड होएगा। Then it will be on WhatsApp. WhatsApp पे? It will go viral. वो वायरल हो जाएगा? But the prophet was not like that. लेकिन ये नबी ऐसा नहीं था। It was true prophet. सच्चा नबी था। Amen. The prophet knew. नबी जानता था। God is bringing Naaman down. I will not interfere. हाँ, परमेश्वर नामान को नीचे ला रहा है, इसलिए परमेश्वर के काम में मैं अड़ंगा नहीं बनूंगा। So one of his servant came. तो उसका एक कई सेवकों में से एक सेवक आया। Servant, one of the servants comes. और एक सेवक आता है। नामान, नामान। The prophet has said. नबी ने कहा है, गो एंड डिप इन रिवर जॉर्डन 7 times, यू विल बी ऑलराइट। यर्दन में जा, यर्दन नदी में, और वहां 7 बार डुबकी लगा। व्हाट? क्या?
Where is the prophet? Nabi kahan hai? He doesn't want to see you. Wo aapko nahi dekhna chahta. He doesn't want your offering. Wo aapke daan nahi chahta. Keep your offering with you. Rakh lo apne daan apne paas. He told me to tell you, I'm just telling you the message, that's all. Usne mujhse kaha hai aapse ja ke ye baat kehne ke liye, main keh raha hu bas. And servant went away. Office sevak bhi chala gaya. And stands there. Ye wahan vyakti khada hai. Commander. Senapati. Captain. Nayak. Honorable man. Pratishthit vyakti. Nobody cares for me. Are koi meri parwa nahi kar raha. Are there not better rivers in my country? Kya mere paas is Yardan se achhi nadiyan nahi hai? He became very angry. Bahut gusse mein aa gaya. Come down, Naman. Come down. Naman, niche aa. Naman, niche aa. Come down. Niche aa. You are too big in your eyes. तू अपनी आंखों में बहुत बड़ा है. You want to be transformed. तू बदलना चाहता है. Come down. नीचे आ. You all lifted up your hands, isn't it, to be transformed? आप सबने अपने हाथ ऊपर उठाए थे ना परिवर्तित होने के लिए. गलती किया आपने. Come down. नीचे आइए. Now you will come down. अब आप नीचे आएंगे. He was very angry. बहुत क्रोधित हो गया वो. Big man. बड़ा व्यक्ति. Second time listening again to a servant. फिर दूसरी बार सेवक से पूछ रहा है. घर में सेवक से पूछ रहा है. सर्वेंट इज टॉकिंग. घर पे तो छोटी दासी सेविका जो थी वो बात कर रही है. कम टू द प्रॉफिट. सर्वेंट इज टॉकिंग. नबी के पास आओ तो फिर वही सेवक बात करता है. कम डाउन. नमान नीचे आ. नमान नीचे आ. सो एंग्री. बहुत गुस्सा हो गया. ही वांट्स टू गो बैक. वो वापस जाना चाहता है. देन हिज सर्वेंट विल टॉक. अब उसके सेवक उससे कहेंगे. नाउ हिज सर्वेंट्स विल टॉक. अब उसके सेवक कहेंगे. सर If the prophet would have told you any hard thing, you wouldn't have done it. यदि नबी कोई बड़ी बात कहता है तो आप नहीं करते क्या? Why don't you simply obey the simple thing? ये साधारण सी बात है. इस साधारण सी बात की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे? It doesn't cost anything. इसमें आपको कुछ चुकाना तो नहीं पड़ेगा. Only 7 डुबकी. सिर्फ. That's all. 7 बार डुबकी लगाना पड़ेगा बस. It doesn't cost you. इसमें कुछ आपको कीमत नहीं चुकाना है. He had to swallow his pride. उसको अपने घमंड को. स्पिट हिज प्राइड. बेटर वाइस ऑफ इट. स्पिट हिज प्राइड. उसको अपने घमंड को थूकना पड़ा. आमेन. आमेन. मेनी ऑफ यू सॉलोड टुडे यू वॉमिटेड. आप में से बहुत से लोगों ने अपने घमंड को निगल लिया अंदर. अब समय आया है बाहर. इतना निगल लिया घमंड अंदर है. अभी निकालो उसको बाहर. राइट. थ्रो इट आउट. बाहर निकाल दे. फेंक दे उसको. ही हैड टू कम डाउन. उसको नीचे आना. Now he had to listen to his servants. अब उसको अपने सेवकों की सुनना पड़ रहा है. Okay. ठीक है. He is fully down. अब पूरा नीचे आ गया. Three times listen to servants. तीन बार सेवकों की सुना. Now fourth time. चौथी बार. River Jordan is still down. अभी यर्दन नदी. It's dirty river. Compared to his rivers. हाँ, उसकी नदियों के तुलना में ये तो और गंदी है. So he goes there. तो वहां जाता है. He goes into the water. वो पानी में जाता है. God is not satisfied bringing him down just 4 times. हाँ, परमेश्वर चार बार नीचे लाने में संतुष्ट नहीं हुआ. Go down. और नीचे. Go down. और नीचे. 7 times you go down. हाँ, 7 बार नीचे. One डुबकी is not sufficient. एक डुबकी से नहीं काम चलेगा. हाँ, बहुत घमंड है तुम्हें. बहुत घमंड है. एक डुबकी से नहीं चलेगा. एक डुबकी से काम नहीं चलेगा. बम्बई बम्बई मुंबई. नहीं चलेगा एक डुबकी में. एक डुबकी से काम नहीं चलेगा. दो डुबकी. Nothing. कुछ नहीं हुआ. और घमंड जाना है. और घमंड जाना है. अभी तीन डुबकी. और मैं जाना है. अभी मैं जो बचा है उसको भी जाना है. चार डुबकी. वो ऑल द प्राइड हैज टू गो. सेल्फ हैज टू गो. ईगो हैज टू गो. पूरा स्वार्थ पूरा घमंड सब कुछ निकल के जाना है. गॉड इज ब्रिंगिंग हिम डाउन. ब्रिंगिंग हिम डाउन. परमेश्वर उसको नीचे ला sixth रहा है. सिक्स्थ टाइम. सिक्स्थ डुबकी. छठवीं बार फिर से डुबकी लगाया. लॉर्ड नथिंग इज रिमेनिंग. लॉर्ड प्रभु अब तो कुछ भी नहीं बचा. एवरीथिंग इज गॉन. अब तो सब कुछ चला गया. आई एम नथिंग लॉर्ड. प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं. अभी रास्ते पे आए हैं. अब रास्ते पे आए. आई एम नथिंग लॉर्ड.
प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं हूं. सेवेंथ टाइम ही गोज डाउन, सातवीं बार वो नीचे जाता है. ही कम्स आउट, वो बाहर निकलता है. ही इज हील्ड, वो चंगा हो गया. ही इज ट्रांसफॉर्म, बदल गया. हिज होल फ्लेश becomes like a little child's flesh. उसके शरीर का चमड़ा एक छोटे बच्चे के समान हो गया. Not by might, not by power, but by my spirit, say the Lord. ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होएगा. Hallelujah. Hallelujah. Fully transformed. पूरी तौर से बदल गया. Skin becomes like little infant skin. वो चमड़ा जो है छोटे से बच्चे के समान नया हो गया. His mind is changed. उसकी सोच बदल गई. He says there is no God, only God is in Israel. और कहता है इसराइल के परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है. Born again. वो नया जन्म पा लिया. His mind is changed. उसका माइंड बदल गया. His body is transformed. उसका शरीर बदल गया. I is gone. मैंपन चला गया. Nevertheless, I, Christ lives in me. अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है. Hallelujah. 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 I is gone. मैं पन चला गया. By coming down and down and down. नीचे 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 और नीचे जाके. I is gone. मैं पन चला गया. Only Christ was there. अब सिर्फ मसीह वहां पर है. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is here today. आज पवित्र आत्मा यहां पर है. The time is coming. समय आ रहा है. Your testimony will be. आपकी गवाही होगी. Nevertheless I live. मैं अब नहीं. Yet not I. अब मैं नहीं. Christ lives in me. मसीह मुझ में जीवित है. Christ lives in me. मसीह मुझ में जीवित है. But how will God do it? पर परमेश्वर ये काम कैसे करेगा? By bringing you down. आपको नीचे लाकर. Amen. Amen. It is sad. दुख की बात है. That some people sitting here. कुछ लोग यहां पर हैं जो बैठे हैं. Sometime were brought down, but they didn't catch Christ. कुछ समय उनको नीचे लाया गया, लेकिन उस समय उन्होंने मसीह को नहीं पकड़ा. Incident took place in your life. ऐसे कुछ घटनाएं आपके जीवन में हुई. Some things happened. कुछ बातें हुई. God brought you down. परमेश्वर ने आपको नीचे लाया. You became nothing. आपको शून्य कर दिया. That was the time you had to hold on to Christ. यही तो वो समय था जब आपको मसीह को पकड़ लेना था. When you come up, it will not be you, but Christ. ताकि जब आप बाहर निकल के आते आप नहीं लेकिन मसीह दिखाई देता. Naaman was changed. नामान परिवर्तित हो गया. He went back as a different person. और वो एक अलग ही व्यक्ति बन के वहां से वापस गया. आमेन. आमेन. अदरवाइज वी गो थ्रू वेस्टेड सॉरोस, वेस्टेड ह्यूमिलिएशन. नहीं तो हम फालतू के दुखों में से और दूसरी बातों में से होके जाते. डोंट वेस्ट योर सॉरोस. अपने उन दुखों को. डोंट वेस्ट योर सफरिंग्स. डोंट वेस्ट योर ह्यूमिलिएशन. अपने दुख को, तकलीफों को व्यर्थ मत जाने. यूज इट to allow Christ to be formed in you. इस्तेमाल करें ताकि मसीह आपके अंदर पूरी रीति से बन जाए. Give your best clap offering to Jesus. यीशु मसीह को सबसे उत्तम तालियों की गड़गड़ाहट. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु. Did you learn something today? क्या आज आपने कुछ सीखा? Did you learn something new today? Every conference will tell you how to come up. हर एक कॉन्फ्रेंस आपको बोलेगी कैसे ऊपर आए. How to come up? कैसे ऊपर आए. How to become rich? कैसे धनी बने. How to become prosperous? कैसे संपन्न बने. Everything about outside world. बाहरी दुनिया के विषय में सिखाया जाएगा. This conference is talking about the inside world. लेकिन ये कॉन्फ्रेंस अंदर की दुनिया के बारे में सिखा रही है. And this is talking about coming down inside. और ये सिखा रही है अंदर से नीचे जाना. So that Christ will be revealed through you. ताकि मसीह आप में से दिखाई दे. And when Christ is revealed through you. और जब मसीह आप में से दिखाई देगा. The impact outside is can't think. It is unimaginable. हाँ, और जो वो बात होगी आपके जीवन में उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी. अदर कॉन्फ्रेंस विल टेल यू. हाँ, दूसरी कॉन्फ्रेंस कहेगी यू गेट दिस ब्रेक थ्रू.
तुमको ये ब्रेकथ्रू मिलेगा, ये आश्चर्यकर्म मिलेगा, यू विल गेट दिस अबंडेंस, ये बहुतायत मिलेगा, यू कैन इंपैक्ट अदर्स आफ्टरवर्ड्स, थोड़े समय के बाद प्रभाव डालोगे, इट इज ट्रू, सही है, बट हियर, यहां पर, दिस कॉन्फ्रेंस इज टेलिंग यू, ये कॉन्फ्रेंस आपसे कह रही है, गॉड विल ब्रिंग यू डाउन, परमेश्वर आपको नीचे लाएगा, यू हैव टू डाई फॉर योरसेल्फ, आपको अपने लिए मर जाना है, क्राइस्ट विल लिव इन यू, मसीह आप में जिएगा, सो दैट इट विल नॉट बी जस्ट एन इंपैक्ट ऑन अदर्स, अदर्स ऑल्सो विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, हाँ, तो वो सिर्फ दूसरों पे प्रभाव ही नहीं डालेगा लेकिन दूसरों को भी परिवर्तित, नेशंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, देश के देश परिवर्तित, वन पर्सन, एक व्यक्ति, with the fullness of God, परमेश्वर की परिपूर्णता में, shake the world upside down, वो दुनिया को उलट पुलट कर देगा, one person, एक व्यक्ति, with the fullness of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, can turn India upside down, वो भारत को उलट पुलट कर देगा, that is where God is leading you, और परमेश्वर वहीं आपसे मुलाकात करेगा, that is why God has chosen you, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना, that is why you are here today, और इसीलिए आज आप यहाँ आए हैं, not by an accident, एक दुर्घटनावश नहीं, नॉट बाय कोइंसिडेंस, कोई संयोग नहीं था यहाँ, एंजल्स ऑफ गॉड, एंजल्स ऑफ गॉड पुश्ड यू एंड ब्रॉट यू टू दिस कॉन्फ्रेंस, परमेश्वर के दूतों ने आपको धक्का धक्का देके यहाँ लेकर आया है, बिकॉज़ गॉड हैज चोजन यू, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, टू रिवील जीसस इन यू, ताकि आप में यीशु मसीह को प्रकट करे, टू रिवील जीसस थ्रू यू, और आपके द्वारा यीशु मसीह प्रकट किया जाए, एंटायर सोसाइटी विल चेंज, ताकि पूरा समाज बदल जाए, यू आर दैट पर्सन, आप हैं वो व्यक्ति, टू बी फिल्ड with Jesus, यीशु मसीह से भर जाने के लिए, to become one with Jesus, यीशु के साथ एक हो जाने के लिए, divine union, ईश्वरीय एकता, amen, amen, then the union will come in others, तब दूसरों में एकता आएगी, we will talk about this little more deeper tomorrow, कल इससे और गहराई में हम बात करेंगे, and how it will affect others also, और कैसे ये दूसरों पे प्रभाव डालेगा, how it will bring divine unity, और ये कैसे ईश्वरीय एकता लाएगी, let me close by telling you two things, दो बातें कह के मैं समाप्त करूं, first thing, पहली बात, a philosopher said, एक philosopher ने ऐसा कहा, true lover, सच्चा प्रेमी, stays in another person's body, वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में बसता है, इन हिज बिलव्ड्स बॉडी, हाँ, वो अपने प्रेमी के शरीर में बसता है, ट्रू लवर स्टेज इन समबडी एल्स, सच्चा प्रेमी दूसरे के जीवन में बास करता है, इफ यू सी लाइक दैट, यदि आप ऐसा देखें, देन जीसस क्राइस्ट इज द सुप्रीम लवर, तब यीशु मसीह तो सबसे बड़ा प्रेमी है, नोबडी लव्स लाइक जीसस, यीशु मसीह के बराबर किसी ने प्रेम नहीं किया, ही स्टेज इन यू, वो आप में बसता है, He stays in us, वो हम में बसता है, डोंट लुक एट हिम आउटसाइड, उसको बाहर नहीं देखें, When he is inside, जब वो आपके अंदर बसता है, He is in you, वो आप में है, And you are in him, और आप उस में है, That is divine union, वो है ईश्वरीय एकता, And now the last thing, और आखिरी बात, And then we will pray, और हम प्रार्थना करेंगे, Listen to this. Listen to this very, very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुने. Oh, this is very important. बहुत महत्वपूर्ण है. Are you ready? आप तैयार हैं? Okay. Jesus once said. यीशु मसीह ने एक बार कहा. So beautiful. बहुत अद्भुत है. He quoted Naaman. उसने नामान की बात दोहराई. If Jesus took the name of Naaman. यदि ईशु ने नामान की बात दोहराई. Yeah, Jesus took the name of Naaman. यदि ईशु ने नामान का नाम लिया. What did he say? उसने क्या कहा? He said in the days of Elisha. कहा एलीशा के दिनों में. There were so many lepers. बहुत सारे कोढ़ी थे. In Israel. इसराइल में. Many lepers in Israel. इसराइल में बहुत सारे कोढ़ी थे. But nobody was sent to Naaman. पर कोई नामान को छोड़के दूसरा नहीं भेजा गया. But a non-Jew, somebody from outside, a foreigner, somebody from outside Syria, he was sent to Elisha for healing. लेकिन बाहर से जो यहूदी नहीं है बाहर आराम के उधर से उसको नबी के पास भेजा गया नॉट फ्रॉम इसराइल इसराइल से नहीं सो मेनी लेपर्स वर देयर बहुत सारे कोढ़ी थे व्हाई क्यों व्हाई नॉट फ्रॉम इसराइल
फिर इसराइल से क्यों नहीं? What was Jesus trying to say? यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Jesus was saying, यीशु मसीह कह रहा है, even though there were so many lepers in Israel at that time, उस समय इसराइल में बहुत सारे दूसरे कोढ़ी भी थे, but nobody, not even a single leper, wanted to humble himself. लेकिन उनमें से कोई भी नमान के समान नम्र दीन होना नहीं चाहता. Nobody wanted the Messiah. किसी को मसीहा Nobody wanted to change. कोई बदलना नहीं चाहता था. They were all after their own way. सब अपने अपने मार्गों और तरीकों में थे. So many lepers. बहुत सारे कोढ़ी. Nobody was brought to Elisha for healing. कोई भी एलीशा के पास चंगाई के लिए नहीं लाया गया. Therefore God had to pick somebody outside Israel. इसलिए परमेश्वर को इसराइल के बाहर से किसी को चुनना पड़ा. Who was willing to humble himself. जो दीन होने के लिए तैयार है. Naaman was brought to नामान Elisha. को लेकर एलीशा के पास Jesus लाया गया. Jesus said this. यीशु मसीह ने यह कहा. I'm closing by telling the same thing to you. यही बात मैं आपसे कह के समाप्त कर रहा हूँ. There are so many believers in Mumbai. मुंबई में बहुत सारे विश्वासी हैं. So many preachers, pastors and churches. बहुत सारे प्रचारक, पासबान, कलीसियाएं हैं. But God chose you. परमेश्वर ने आपको चुना है. God chose you. परमेश्वर ने आपको चुना है. To transform you. कि आपको बदले. Because God knows you will humble yourself. क्योंकि परमेश्वर जानता है आप उसके सामने अपने आप को दीन करेंगे. God knows you will come down. परमेश्वर जानता है आप नीचे आएंगे. God knows you will keep your big thoughts about yourself aside. परमेश्वर जानता है आप अपने विषय के बड़े विचारों को अलग करेंगे. And you, God knows that you will say, God, I want you. परमेश्वर जानता है आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है. I have seen ministry still now. मैंने अभी बहुत सेवकाई देखी. Lord, I've seen preachings. मैंने प्रचार in Bombay, प्रचार I've seen देखा so है. Many things, Lord. मैंने बॉम्बे में बहुत सारी बातें देखा है. I am here in Bombay for many years, Lord. मैं यहाँ बॉम्बे में बहुत सालों से हूँ. But today I come to you, Lord, in this conference. लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस में प्रभु मैं आपके पास आता हूँ. I want you, Jesus, in my life. प्रभु मैं अपने जीवन में आपको चाहता हूँ. I want you in all your fullness. मैं मुझे आपके परिपूर्णता में आपकी जरूरत है. I'm willing to come down. मैं नीचे आने के लिए तैयार हूँ. I'm willing to humble myself. मैं अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार हूँ. I'm willing to become nothing. मैं शून्य होने के लिए तैयार हूँ. So that I may have everything of Jesus. ताकि यीशु मसीह का सब कुछ मैं पा सकूँ. Is that your decision right now? क्या इसी समय आपका ये निर्णय है? If I had this meeting in another place, big place, I'd have given altar call. हाँ, मैं यदि ये मीटिंग कहीं बड़ी जगह में होती तो वेदी की बुलाहट देता. People would come with tears to the altar. और लोग जो हैं वेदी पर आंसुओं के साथ आते. I have seen in my meetings people coming with tears. और मैंने देखा है अपनी सभाओं में लोगों को आंसुओं के साथ आते हुए देखा. In 2002, Brother Victor, he came into our meeting. He gave his life to Jesus, Brother Vitrus. 2002 में Brother Vitrus आए थे हमारी सभा में आंसुओं के साथ. Gave his life to Jesus. और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया. There are people sitting here who gave their life to Jesus. यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया. जय प्रभु. जय प्रभु. Ninth standard. नौवीं क्लास में थे. Sunday school boy. संडे स्कूल का लड़का. I was Sunday school teacher. मैं संडे स्कूल का टीचर था. He came with tears to the altar call, gave his life to Jesus. और वो आंसुओं के साथ वेदी की बुलाहट पे आके अपने जीवन यीशु को दिया. I have seen for years people coming with tears. मैंने सालों से इस बात को देखा लोग आंसुओं के साथ वेदी coming to the altar. वेदी पे आ रहे हैं. How does that happen, Brother Manohar? भाई मनोहर, ये बात कैसे होती है? The Holy Spirit does that. ये पवित्र आत्मा है जो The Holy Spirit moves. ओ, पवित्र आत्मा का Even hard-hearted people. यहाँ तक कि कठोर हृदय Alcoholics, drug addicts have come. नशाखोर, दूसरे प्रकार के लोग बदल जाते हैं. That face God used, God moved mightily. और उस समय भी परमेश्वर सामर्थ्य तौर पे चलन किया. Thousands came to the Lord. और हजारों लोग मसीह के पास आए. But now, लेकिन अब the Holy Spirit is calling the pastors. परमेश्वर अब सॉरी पवित्र आत्मा अब पास्टर्स को बुला Holy रहा Spirit है is calling the believers. और विश्वासियों को बुला रहा है. Holy Spirit is calling the servants of God. परमेश्वर के सेवकों को पवित्र आत्मा आह्वान कर रहा Holy है. Holy Spirit is calling you. पर पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है. There are so many in Mumbai. बहुत सारे लोग हैं मुंबई में. But God chose you to be here today. लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है आज यहाँ के लिए. Amen. Amen. We will go in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे. This is the time. ये समय है. I want you all to pray.
मैं चाहता हूं आप सब प्रार्थना में In 3 to 5 minutes we will close. 3 to 5 minutes में हम समाप्त करेंगे. Come let us pray. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें. And those who mean business with God. और जिनको परमेश्वर से real business है. Yeah, you mean real. आप सचमुच में परमेश्वर के साथ एक होना चाहते yes. हैं. You want Jesus in His fullness. और आप यीशु मसीह को उसकी परिपूर्णता में चाहते हैं. Such people keep your hand on your chest. सिर्फ ऐसे लोग अपना हृदय, sorry, अपना हाथ अपने हृदय पे रखें. Because there's no place for altar call, I will give altar call this way. क्योंकि यहाँ पर altar call के लिए सामने जगह नहीं है, मैं इस प्रकार से वेदी की बुलाहट दे रहा हूँ. Keep your hand on your chest. अपना हाथ अपने हृदय पे रखें. I'll give you 2 minutes to talk to Jesus. मैं आपको 2 मिनट दूंगा यीशु मसीह से बात करने के लिए. If you are the person, यदि आप वो व्यक्ति हैं, you mean it. सचमुच में हृदय से, Lord, I want you, Jesus. प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है. You have given me other blessings. मुझे आपने दूसरी आशीष दी हैं. Thank you. धन्यवाद. But I want you. प्रभु मुझे आपकी I want you also in your fullness. प्रभु मुझे भी आपकी परिपूर्णता में जरूरत है. I want you, Jesus. प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है. Put your hand on your chest. अपने हृदय पे अपना हाथ And रखें. Say, Lord, I want you, Lord. कहें प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता I want you, Jesus. प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता I want you, Jesus. प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता Lord, I want you, Lord. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता Lord, I want you, Lord. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है. I want you in your fullness, Lord. आपकी परिपूर्णता में मुझे आप चाहिए. I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूं. I want to be filled with you. मैं आपसे भर जाना चाहता हूं. I want to be transformed. मैं परिवर्तित होना चाहता हूं. Spirit, soul and body. आत्मा प्राण और देह में. My life must change. मेरा जीवन बदल जाए. Have mercy on me. प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर. Say this loudly with meaning. और बड़े दिल से मतलब के साथ इसको ऊंची आवाज में कहें. Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Have mercy on me. Come to me, touch me, transform me. प्रभु यीशु, जोर से एक साथ बोले, प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में पूरी परिपूर्णता में चाहता हूं. मुझे स्पर्श करें, मुझे अंदर से बदल दें, मुझे नया बना दें. क्योंकि मैं आपको चाहता हूं, आपसे आपकी परिपूर्णता चाहता हूं, मेरी सहायता करें. आमेन. आई एम विलिंग टू कम डाउन जीसस. आई एम विलिंग टू कम डाउन. ब्रिंग मी डाउन वेयर यू आर यीशु. मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं. मैं नीचे आने के लिए जहां आप हैं तैयार हूं. आप मुझे नीचे ले आए, मेरी मुलाकात आपसे हो जाए. आमेन. आमेन. थैंक यू जीसस. जस्ट कीप थैंकिंग गॉड. प्रभु को धन्यवाद देते रहें. लेट मी प्रे फॉर यू. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं. लॉर्ड ब्रीथ योर ब्रेथ ऑफ मर्सी अपॉन देम. प्रभु अपनी दया की सांस इन सब के ऊपर फूंक दें. लेट योर ब्रेथ ऑफ मर्सी कम अपॉन देम. इन सब के ऊपर दया की सांस आ जाए. द ब्रेथ ऑफ हेवन कम लॉर्ड. स्वर्ग की सांस इनके ऊपर आए. एंड लेट टुडेज मैसेज बिकम रियलिटी इन देयर लाइफ. होने दे आज का संदेश इन सबके जीवन में सच्चाई बन जाए. लेट टाइम कम. समय आए. When it will not be they, but Christ living in them. जहां पे ये सब ये नहीं रहे, लेकिन मसीह इनके अंदर जीवित रहे. They will be gone. ये इनका मैपन चले जाए. Christ will be there. और सिर्फ मसीह इनके जीवन में. Bless them. आशीषित करें. Lord, before we close. प्रभु इसके पहले कि हम समाप्त करें. I plead with you.
मैं आपसे निवेदन करता हूं परफॉर्म स्पेशल मिरेकल्स आज विशेष आश्चर्य कर्म फॉर एवरीवन प्रत्येक के जीवन में इन देयर बॉडीज इनके शरीर में इन देयर माइंड इनके माइंड में इन देयर होम्स इनके घरों में supernatural miracles alaukik aashcharya karam unusual miracle asadharan aashcharya karam for everybody pratyek ke liye every disease from their bodies must come out in jesus name har ek bimari ishu ke naam se inke shariron se chali jaye every disease leave them in jesus name har ek bimari inko chhod de Every work of the devil, leave them in Jesus' name. हर एक शैतान के काम यीशु के नाम से इनको छोड़ दे. Every infirmity, sickness, witchcraft, leave them in Jesus' name. हर एक निर्बलता, दुर्बलता, जादू टोना की शक्ति यीशु के नाम से छोड़ दे. Every disease, हर एक बीमारी. This is the final command. और ये अंतिम Leave them in Jesus' name. यीशु के नाम से छोड़ दो. I rebuke you in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से तुम्हें झड़कता हूँ. I speak freedom to everybody. प्रत्येक को मैं यीशु के नाम से स्वतंत्रता करता हूँ. Deliverance to everybody. यीशु के नाम से छुटकारा. Thank the Lord. धन्यवाद प्रभु. Demons are coming out. ओह दुष्टता आ बाहर जा रही हैं. Demons are coming out. दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं. Sickness is coming out. बीमारियां निकल के जा रही हैं. Diseases are coming out. बीमारियां जा रही In the है name of Jesus. यीशु के नाम In the से name of Jesus. यीशु के नाम Every से one of you. आप में से प्रत्येक जन Receive your deliverance. अपने छुटकारे को ले ले. Receive your freedom. अपने स्वतंत्रता को Receive ले ले. Receive your healing. अपनी चंगाई ले ले. Receive your miracle. अपने आश्चर्य कर्म को ले ले. Receive new beginning. और एक नई शुरुआत ले. Be healed. चंगे हो जाए. Be made whole. परिपूर्ण हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु के नाम से थैंक यू फादर धन्यवाद पिता स्पेशल मिरेकल विशेष आश्चर्य कर्म के लिए इन जीसस नेम यीशु के नाम से इन जीसस नेम यीशु के नाम से जस्ट थैंक द लॉर्ड हालेलुया हां प्रभु को धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड